अधिवक्ता युवा साथी संगठन अलीगढ़ के द्वारा अलीगढ़ बार एसोसिएशन वर्ष 2022-2023 के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत समारोह कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें युवा संगठन द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शॉल व माला पटका देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अधिवक्ता युवा साथी संगठन के चेयरमैन मनोज त्रिवेदी एडवोकेट, संस्थापक देवेश चौधरी एडवोकेट, ओम प्रकाश एडवोकेट अध्यक्ष, सुनील कुमार अवस्थी महामंत्री, उभय सिंह चौधरी एडवोकेट कोषाध्यक्ष, अशोक कुमार अवस्थी व मीडिया सेल प्रभारी बीर सिंह एडवोकेट, सदस्य आर के सिंह, दिनेश चौधरी एडवोकेट, एडवोकेट रविंद्र सिंह, एडवोकेट राहुल वर्मा, एडवोकेट उदयवीर मनोज राजपूत, एडवोकेट सिंह राणा, एडवोकेट चंद्रहास मिश्रा और एडवोकेट हेमंत शर्मा आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार वशिष्ठ एडवोकेट व महासचिव दिनेश कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि सभी अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर समस्याओं का निवारण व निराकरण कराया जाएगा। साथ ही नए अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस के लिए उचित स्थान मुहैया कराया जाएगा। युवा अधिवक्ताओं को बार में उचित स्थान और सम्मान दिलाया जाएगा। महासचिव दिनेश कुमार शर्मा द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि कलेक्ट्रेट परिषद स्थित आरओ मशीन को ठीक कराकर अधिवक्ताओं को पानी पीने की उचित व्यवस्था कराई जाएगी, शौचालय का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा। इस मौके पर मीडिया के समक्ष अधिवक्ता युवा साथी संगठन द्वारा कहा गया कि हमारा संगठन सभी युवाओं की समस्या व हर मुसीबत में साथ देने का वादा करते हैं। किसी भी युवा सदस्य को किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करने दिया जाएगा, किसी भी निकटतम परिस्थिति में उसका साथ दिया जाएगा। इस मौके पर तमाम सदस्यगण, अधिवक्तागण, कलेक्ट्री स्थित सज्जन बुद्धिज्म व्यक्ति उपस्थित रहे। अलीगढ़ से राजेश कपूर की रिपोर्ट। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, दफ्तर से व्यक्ति को होता है, सीटों का विवाद चल रहा है, इस बारे में जरा सब मेरा सीटियों को जो विवाद चल रहा है जी, वो मैं ईमानदारी से उसका निस्तारण करूँगा। जो जिसकी सीट है उसको मिलेगी, कोई विवाद कहीं अच्छा नहीं रहेगा कि मुझे ये बोल पर समाज करना है। मैंने उसकी जांच के लिए दीवानी में भी बनी है, मैंने कमेटी बना दी है, उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट के बाद मैं जो भी निर्णय होगा दोनों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मिलकर निर्णय लेंगे। अभी आरओ की समस्या आती है, जिससे समस्या आरओ को मैं ठीक करा दूंगा, आरओ की समस्या ठीक करा दूंगा और लेटरिन सीट वाली समस्या उसे भी ठीक करा दूंगा, पानी टपकता वो भी ठीक कराऊंगा। और अधिवक्ताओं के लिए मैं अभी बताया है 38 लाख रुपया डीएम साहब के खाते में है, वो अधिवक्ताओं के वेलफेयर में इसी महीने इसी उसका शुभारंभ कर दूंगा। स्टैंड की समस्या है, उसके स्टैंड की समस्या के लिए मैंने जिला जज को वो जगह दिखा दी है, जिला जज उस पर निर्णय ले चुके हैं, डीएम साहब निर्णय ले चुके हैं, तो इस अगले हफ्ते में वो स्टैंड भी शुरू करा दूंगा। और हर अधिवक्ता के साथ हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि मैं अभी मेरी कमेटी में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, जो हमारे अधिवक्ताओं के कुमृताश्रितों को 4-3 लाख मिलते थे, मैंने 4 लाख की घोषणा कर चुका हूँ शपथ पत्र, लेकिन कैबिनेट के बाद मैं उनको 4 लाख करूँगा। नंबर की विधवा पेंशन की मैं घोषणा कर चुका हूँ, 1000 नहीं 500 रुपये कम से कम मैं विधवाओं को जो हमारे अधिवक्ता बंधु रहते हैं उनको भी दूंगा। और जो भी स्कीम मैं ला सकता हूँ रचनात्मक कार्य करूंगा, इनके घर तक जो भी परिवार तक समस्या को दूर करने के लिए मैं हर वक्त सहायता करूंगा, पुलिस से सहायता करूंगा, जुडिशल से भी सहायता करूंगा, एजी पुलिस से, जहां भी हो इनके साथ, जितनी मुझ पे ताकत है मेरी अपनी ताकत के अनुसार, टीम की ताकत के अनुसार, मेरा नहीं, उसके बाद मेरे बड़े छोटे भाई मेरे अधिवक्ता हैं वो मेरा सहयोग करेंगे, मैं उनके साथ, मैं किसी बात से पीछे नहीं हटूंगा। गेट की समस्या थी आज, जब आपको कह दिया हमने, या तो दोनों गेट न्यायालय में आप गेट खोल दीजिए, हम टकराव नहीं चाहते, हम सामंजस्य चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अंदर रहें और हम बाहर रहें तो आप अंदर रहिए हम बाहर रहें, तो हमारी बात मान गए, दोनों गेट खोले। जो रोबा भक्ता सारी संगठन बनाए, इससे आपको सरनी का अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, नहीं बहुत रोबा पीढ़ी आई है, बहुत अच्छा लगा, ये लोग समस्या बताएंगे मैं उनका युवा संगठन हमने इसलिए बनाया है कि युवा अधिवक्ताओं को ये दिक्कत रहती थी कि हम नए हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या नए कर्मचारी जो है वो हम लोगों की बात नहीं सुनते, तो हम सब लोग संगठित होकर एक संगठन हमने बनाया है कि कोई भी समस्या होती है उसका पहले हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे, जब हमसे निराकरण नहीं होता है तो हमारी बड़ी बार है, इसके पास जाएंगे निराकरण कराने के लिए, मतलब अधिवक्ताओं को हित करने के लिए हमने किया है, किसी भी तरह से अधिवक्ताओं का अहित ना हो, इसलिए हमने अपना एक संगठन युवा अधिवक्ताओं को किया है।
यदि कोई उत्पीड़न आता है आप हल करेंगे, उसके बाद तस्वीरें मिलेंगे, आप समस्या प्रस्ताव किसी का उत्पीड़न तो नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, अपना पूरा भरसक प्रयास करेंगे, जो भी हमसे हो सकता है सब संगठन एक साथ मिलकर कार्य करेगा। इसके लिए हमारे सभी भाई हैं, पहले हम लोअर स्तर पे अपने स्तर तक शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी से जो भी समाधान होगा हम करेंगे, नहीं होता है तो हमारी बार है। अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष जी ने अपने तेवर दिखाई दिए हैं, डीजे साहब से भी शपथ ग्रहण समारोह में, तो भाई जो बात सही है उसको मानना पड़ेगा, शांतिपूर्वक मानेंगे, नहीं हुआ तो फिर देखी जाएगी।